bounds. वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसे टिप्स जिससे आपकी बाइक रहेगी सालों साल तक न्यू। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जिस तरह कभी कभी इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और अगर डॉक्टर के पास नहीं गया तो मामला ज्यादा सीरियस हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारी बाइक को भी वक्त पड़ने पर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ठीक वक्त पर सर्विस नहीं करवाई तो ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। टाइम पर सर्विस करवाने से आपकी बाइक ठीक रहेगी और बेहतर परफॉर्म करेगी, और आप बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बाइक एकदम दुरुस्त रहेगी। नंबर एक, इंजन को कैसे दुरुस्त रखें। सर्विस के दौरान इंजन की रेगुलर सर्विस करवाने के साथ ही इंजन ऑयल को भी चेक करें। अगर ऑयल काला हो गया है तो नया ऑयल डलवाएं, और अगर इंजन ऑयल का लेवल कम है तो उसे भी पूरा करें। खराब इंजन ऑयल की वजह से बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज पर बहुत असर पड़ता है। जहां तक हो पाए ऑयल को चेक करवाना चाहिए। अगर खराब हो चुका है तो उसे तुरंत बदल दें। अब अगर बात करें कि इंजन ऑयल कौन सा डलवाना चाहिए, तो हमेशा अच्छी कंपनी का इंजन ऑयल डलवाना चाहिए और सिंथेटिक ऑयल बढ़िया रहेगा। इसके लिए अगर आप चाहें तो कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। नंबर दो पे आता है स्पार्क प्लग। सर्विस करवाते वक्त स्पार्क प्लग को भी चेक करवाएं, और हो सके तो 1500 से 2000 किलोमीटर तक स्पार्क प्लग चेंज कर देना चाहिए। तीसरा नंबर आता है एयर फिल्टर का। एयर फिल्टर को टाइम पर साफ करते रहना चाहिए, और अगर ख़राब हो चुका है तो उसे चेंज करवा दें। दोस्तों, अब नंबर आता है क्लच का। कभी कभी क्या होता है कि बाइक का क्लच टाइट हो जाता है और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली ये बाइक ख़राब होने का संकेत होता है। अगर क्लच टाइट होगा तो इससे क्लच प्लेट पर असर पड़ेगा और माइलेज भी ख़राब होता है, तो क्लच में फ्री प्ले रखें। दोस्तों, नंबर फोर पर आता है टायर्स। बाइक के टायर्स पर ध्यान देना चाहिए, इनको टाइम पर चेक करते रहना चाहिए, और सबसे अहम बात, टायर्स का प्रेशर हमेशा बैलेंस रखें। जब टायर्स में हवा का प्रेशर कम होता है तो टायर्स ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और हमेशा ग्रिप वाला टायर्स का ही यूज़ करें। अब नंबर आता है बैटरी का। बाइक की बैटरी भी टाइम पर चेक करते रहना चाहिए, कहीं वो लीक तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो तुरंत चेंज करवाएं। दोस्तों, अब नंबर आता है बाइक की चेन का। बाइक की चेन को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, कहीं ये ज़्यादा ढीली तो नहीं है। अगर ये ढीली है तो उसे फौरन ठीक करवाएं। चेन को कभी भी पानी से ना धोएं, क्योंकि इससे चेन में जंग लग सकता है। चेन को साफ करते रहना चाहिए। चेन को साफ करने के लिए आप किसी सॉफ्ट ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर चेन ज़्यादा गंदी है तो थोड़े पेट्रोल से भी आप इसे साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बाइक कभी भी आपको धोखा नहीं देगी और राइड करने में भी मज़ा आएगा। इसके अलावा बाइक को अगर आप 60 की स्पीड से कम में चलाते हैं तो भी आपकी बाइक का मेंटेनेंस बना रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते रहें।